लड़की है जो कि है क्रिश्चियन और वो यूएसए में रहती है, फिर होता क्या है कि उसका इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है, इंडिया आ जाती है, उसे पता चलता है कि इंडिया जो है किसी एक ही रिलीजन को प्रमोट करता है, दैट इज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को ही सिर्फ बढ़ावा देता है, और सिर्फ बढ़ावा ही नहीं देता है, आप अपने रिलीजन को यहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस करना भी है तो आपको ओपनली नहीं करना है, छुपके करना है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया मानता है कि अगर हम सेम धरती पर रहते हैं, सेम नदियों का पानी पीते हैं, तो फिर इतने सारे रिलीजन हैं तो सिर्फ एक ही को क्यों प्रमोट करें, हम सबको प्रमोट करेंगे। सो दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म और इसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल पेजेस, मैं नाम है साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। अगर साफ शब्दों में मैं बात करूं तो आप कोई भी रिलीजन चाहे चूज करिए, उसे प्रैक्टिस करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइफ है। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता है कि आए आपके पास और बोले कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, आपको नास्तिक की तरह रहना है, कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना है, तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं। दिस इज सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट। सेक्युलरिज्म का जो टर्म है ये कॉइन किया है जॉर्ज जैकब होलियोक ने, और इसका जस्ट अपोजिट जो है वो होता है थियोक्रेसी। दैट मींस जो पर्टिकुलर रिलीजन है कोई भी, उसका जो प्रीस्ट है, उसका जो पंडित है, वही वहां उस कंट्री का राजा रहता है, रूलर रहता है। अब बात करें कि कुछ कंट्रीज ऐसे होती हैं जो किसी एक ही रिलीजन को फॉलो करती हैं, जैसे कि आपके पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए, सऊदी अरेबिया हो गया, इनका खुद का स्टेट रिलीजन होता है, कंट्री का रिलीजन होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होती है जिसमें रिलीजन और गवर्नमेंट दोनों सेपरेट होते हैं और वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, दे आर यूएसए एज वेल एज इंडिया। आगे सेक्युलरिज्म को अगर और अच्छे से जाने तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लॉज होते हैं, है ना, कंट्री के, वो पार्लियामेंट बनाता है, और हम जिसे चूज करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बनाते हैं। लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि पंडित बनाते हैं, जो होली बुक्स रहती है उन्हें पढ़कर बनाया जाता है, वैसा हमारे साथ केस नहीं है सेक्युलर कंट्रीज का। इट मींस लॉज आर बेस्ड ऑन आर ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, रेदर देन एनी रिटन होली स्क्रिप्चर। इसका जो वर्ड है ये आप बोलोगे ओरिजिन कहां से हुआ, तो सेक्युलम से हुआ, इसका मतलब होता है दिस प्रेजेंट एज। इंडिया जो है शुरुआत से ही नहीं है कि हाँ ठीक है सेक्युलर रहा होगा शुरुआत से, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, जब दोबारा उसको ठीक किया गया, तब उसमें सेक्युलर वर्ड को प्रियम्बल जो है उसमें घुसाया गया, ठीक है। और हम इंडिया वालों के लिए इट इज समथिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। तो ये कुछ चीज है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहला तो ये है कि सारे रिलीजन बराबर हैं, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप जो चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, आप किसी भी जगह में मंदिर गुरुद्वारे देन व्हाट एल्स जितने भी चर्च हैं वहां जा सकते हैं, मस्जिद में जाके आप पूजा कर सकते हैं, और ये रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है, आप सही तरीके से सोच सकते हैं, आपको जो रिलीजन में जो चीज पसंद आ रहा है आप उसको दिमाग में रखिए और सही अपना विवेक लगाइए कि क्या सही है क्या गलत है। सारे सिटीजन्स जो है, ये सिटीजन्स की बात करता है, अगर इंडिया है तो इंडियंस की बात करेगा, सिर्फ हिंदुस्तानी, सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ क्रिश्चियंस, सिर्फ सिख, इनकी बात नहीं करेगा, सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रमोट करता है। और अगर इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें तो नेहरू जी का सोचना था कि इक्वल प्रोटेक्शन मिले बाय द स्टेट टू ईच एंड एवरी रिलीजन, लेकिन किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, सारे रिलीजन को हम बढ़ावा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सिर्फ इसके बारे में बात करता है कि जो रिलीजन है ये गवर्नमेंट से सेपरेट होना चाहिए, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म बात करता है कि हाँ भैया जो रिलीजन है ये गवर्नमेंट से अलग होना तो चाहिए, लेकिन सारे जो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात करता है, सारे रिलीजन्स हमारे लिए बराबर है। सो आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया हो, मुझे लगा कि मुझे आप लोग को ये चीज बताना चाहिए। ये यूनिट बोल सकते हो 5 नहीं, आई थिंक लास्ट यूनिट जो हमारा यूनिट 10 उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में बहुत सवाल इससे आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझो। और बाकी लोगों के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि
मेजर्स की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. ये छोटा सा टॉपिक था सेक्युलरिज्म के बारे में. प्लीज बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके. और कोई टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में हो देन डू राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. मैं कोशिश करूंगी कि उसे जल्द से जल्द बना सकूं फॉर सोशियोलॉजी. सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो.